गुड इवनिंग एवरीवन अब एक बार बता दो आ, आवाज आ रही क्या आप लोग को एक बार वॉइस चेक करके बता देना आवाज़ क्लियर आ रही कि नहीं अच्छा आ रही आवाज़ ठीक है के okay, बेटा ठीक है ठीक है तो हम लोग पढ़ रहे थे वाटर एक्सचेंज राइट हम लोग पढ़ रहे थे कल वाटर एक्सचेंज और हमने ये देखा था कि जो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन थी वो मेनली किस बाथवे को फॉलो कर रही थी मेनली डिसोसिएटिव पाथवे इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एसोसिएटिव कभी नहीं होगा ठीक है राइट right? ऐसा नहीं कि में एसोसिएटिव नहीं होता है गुड इवनिंग भैया लेकिन मेनली आपको रिएक्शन ज्यादातर देखने के मिलेंगे किसको फॉलो करती है डिसोसिएटिव को ठीक उसमें हमने देखा था कि चार क्लासेस थी राइट right? मेटल को हमने चार क्लास में डिवाइड किया था क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री और क्लास फोर राइट right? इनको किसके बेसिस डिबाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ठीक तो रेट कॉन्स्टेंट के बेसिस हमने किया था इसको तो हमने देखा था यहां के की वैल्यू टेन की पावर एट सेकेंड इनवर्स या उसके बराबर लगभग थी है ना क्लास टू में क्या था टेन की पावर फोर टू टेन की पावर एट सेकेंड इनवर्स इसके बीच में थी क्लास थ्री में क्या था वन से टेन की पावर फोर सेकेंड इनवर्स और क्लास फोर में क्या था टेन की पावर माइनस टू टू टेन की पावर माइनस सिक्स मतलब इधर इधर से से आप जब जाते हो क्लास वन से क्लास कर रहा था और हमने समझा भी था कि क्यों ऐसा हो रहा था ठीक है जब भी जब भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते थे तो वहां पर दो चीजें हम देखते थे कोऑर्डिनेशन वाले में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम दो चीज पे ध्यान देते थे एक चार्ज फैक्टर पे या चार्ज डेंसिटी फैक्टर पे और दूसरा सी एफ सिंपल बोल सकते हो सी एफ एस सी से रिलेटेड फैक्टर पे जिनमें ये मेजर फैक्टर होता था ठीक है और जब भी हमारे पास नॉन ट्रांजिशन मेटल था याद नहीं करना बेटा ये वैल्यू नहीं याद करना इतना छोड़ दो इसे वैल्यू नहीं छोड़ो इतना आप ध्यान रख लो कि क्लास वन से क्लास फोर में जाने पर इनर्टनेस बढ़ रही है बस इतना तो कर ही हो ना वैल्यूज मत याद रखो ये तो मुझे याद इसलिए मैंने लिख दिया याद करने की जरूरत नहीं इसे लेकिन इतना तो इतना तो बोल सकते हो ना कि क्लास वन से क्लास फोर की तरफ जाओगे तो रेट जो होगा वो स्लो होगा खुश रहो भैया इतना तो बोल ही सकते हो वैल्यूज मत याद रखो अब लेकिन इतना तो आपको समझना पड़ेगा ना कि इन वालों की रेट ज्यादा क्यों है इनकी रेट कम क्यों है इनकी रेट और कम क्यों है इनकी रेट और कम क्यों है कल मैंने समझाया भी था कि इसमें आपके एल्कली मेटल आते हैं ये थोड़ी रटना है एल्कली मेटल क्यों क्योंकि साइज बड़ा होता है इसमें आपको एल्कलाइन आते हैं क्यों क्योंकि उनका साइज भी बड़ा होता है इसमें से मैंने बोला था बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ देना ठीक है इसमें थ्री सीरीज के दो लोग आते हैं जेड इसमें है भैया इस वाले में सेकेंड में ठीक है जेड एन और इसमें क्या आता है हमारे पास देखो इधर इसमें हमने लिखा था कॉपर टू प्लस क्रोम और क्रोमियम को आ, क्रोमियम और कॉपर टू क्यों हमने लिखा था बिकॉज ऑफ जे टी डी एक दो बारिख पढ़ोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वो भी कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसलिए ये हुआ इसमें जो ग्रुप ट्वेल्व है ग्रुप ट्वेल्व में क्या आता है जिंक को छोड़ के ग्रुप ट्वेल्व में क्या आता है कैडमियम और मरकरी वो इसमें आता है

उनमें जो रेट ऑफ वक्सेंज है क्या होता है Slow. बाकी member उसी में आते हैं लेकिन ये इसमें क्यों आ गया क्योंकि cadmium और mercury दोनों में बड़ा होता है ना? 4D, 5D का तो का और बड़े वाला किसमें जाएगा इन्हीं की में आता है बोला था क्लास टू में थ्री सीरीज के सारे डाई पॉजिटिव ले लो किसको किसको छोड़ देना एक तो छोड़ देना जो आपने यहां दोनों लिया है किसको कॉपर टू प्लस को और किसको क्रोमियम को और वेनेडियम को छोड़ देना वेनेडियम भी नहीं आता इसमें अभी वेनेडियम के बारे में आपको और समझाता हूं मैं फिर मैंने कहा था यहाँ पे लेंथनाइड ले लेना सारे के सारे लेंथनाइड इसमें आ जाएंगे फिर हमने कहा था कि जो आपने यहाँ पर ये वाला अर्थ मेटल छोड़ा है मैग्नीशियम उसको यहाँ पे ले लेना फिर हम लोग चले गए इस वाली कैटेगरी पे इस कैटेगरी में हमने क्या बोला था प्लस थ्री वाले जो होते हैं थ्री डी सीरीज के उनको ले लो किसको छोड़ देना

हमने बताया था क्लास फोर में बेसिकली क्या आता है आपका क्रोमियम कोबोल्ट और बेनली क्या फोर डी फाइव डी सीज के ट्रांजिशन मेटल जैसे प्लेटिनम टू राइट पेलीडियम टू रुथेनियम थ्री इरिडियम थ्री रोडियम थ्री बस हो गया सब अब यहां से बता सकते हो आप कि कौन ज्यादा किसमें रेट ऑफ ऑर्टर एक्सचेंज फास्ट होना चाहिए किसमें स्लो होना चाहिए और कल हमने आपको थ्री डी सीरीज में प्लस टू ऑक्सीन स्टेबल ऑर्डर भी समझाया था सबसे ज्यादा कॉपर का उसके बाद क्रोमियम का उसके बाद जिंक उससे कम मैग्नीज उसके बाद फिर आयरन उसके बाद कोबोल्ट उसके बाद निकिल उसके बाद निकिल निकलियम दोनों के केस में जीरो सेम सेम थी सेम थी इसलिए मैंने बोला कि लेकिन जो डेल्टा वैल्यू आप देखते हो वो वेनेडियम टू प्लस की ज्यादा आती है किसके कंपेरिजन में एनआई टू प्लस के तो ओवरऑल जो है ना ओवरऑल सीएफएससी आपको ज्यादा दिखाई देगी वहां बेनेडियम में इसलिए बेनेडियम में स्लो हो गया गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग ठीक है कल मैंने आपको बताया था ना बेनेडियम टू प्लस जो है वो निकिल टू प्लस के कंपेरिजन में स्लो वाटर एक्सचेंज शो करता है राइट ठीक है वो क्यों करता है क्योंकि बेनेडियम टू प्लस में सी एफ एस सी जब आप निकालते हो ना तो माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा आएगा चाहे बेनेडियम टू प्लस करो क्योंकि डी थ्री है ये लिखो मत आप पहले समझ लो जब तक आपको समझ में लिखना कुछ मत डी एट है दोनों केस में माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा आता है लेकिन अगर आप यहां से देखो ना देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सेम दिख रही है लेकिन ये वैल्यू जो होती है ना ये प्लस के लिए ज्यादा होती है किसके में किसके में डेल्टा लेस होती है है अरे आपने पढ़ा डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने पढ़ा होगा क्रिस्टल फील्ड थी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बट इसको अप्लाई करने से पहले एक चीज आपको ध्यान रखना होता है कि जो भी मेटल लोगे वो सेम सीरीज होना चाहिए मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए राइट right? और दूसरा लिगेंड सेम होने चाहिए तो सब कुछ तो सेम ही है दोनों में लिगेंड क्या है वाटर दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सेम दोनों किसके मेंबर मंबर तीडी सीरीज के तो कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दो इसकी जो सी एफ एस ज्यादा आएगी इसकी कम आएगी तो इसका रेट फास्ट करा दो इसका रेट स्लो करा दो बस वही तो लिखा था टेबल में रटना नहीं है ठीक है पहले बताओ वेनेडियम से शुरू करो लेफ्ट से वेनेडियम वेनेडियम के बाद वेनेडियम ज्यादा वाटर एक्सचेंज निकल में निकल ज्यादा कोबॉल्ट में कोबॉल्ट से आयरन आयरन के बाद मैगनीज मैगनीज के बाद जिंक जिंक के बाद क्रोमियम क्रोम के बाद कॉपर फिर आप के मन में उठ सकता है कि आपने टाइटेनियम स्कैंडियम क्यों नहीं लिखा अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो अच्छी बात है आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आप सोच नहीं पा रहे हो ज्यादा दूर तक

समझ रहे हो स्कैंडियम टाइटेन को क्यों नहीं लिखेगा इसलिए नहीं लिखा गया कि वो वाटर को क्या कर देते हैं खुद को तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वाटर को रिड्यूस कर देंगे समझ में आ रहा है ये बात ठीक है अरे यस नो कुछ तो बोलो बोलो ये बात समझ में आई ठीक है और कभी भी आपको ये लगे ना कि मैं कहां से बोल रहा हूं मतलब जो मैं आपको मैं आपको एक बात बता दू मैं जितने शब्द बोलता हूँ ना वो किसी न किसी बुक से होता है अपने मन से मैं कुछ नहीं बोलता हाँ समझाने का तरीका मेरा अपना हो सकता है लेकिन मैं जो भी तुम्हें वर्ड्स बोलता हूं ये कहां है ये कहा आप कभी भी आपको डाउट होता है आप बोल देना कौन सी किताब में लिखा है मैं आपको बुक का नाम बता दूंगा उस बुक में ढूंढ लेना नहीं मिलेगा तो मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा ठीक है राइट तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला वो कहां लिखा है वो लिखा है हाउस क्राफ्ट में ठीक चलो आगे चलते हैं मतलब जो मैंने स्कैंडियम टाइटेनियम के बारे में बोला कहा लिखा है हाउस में लिखा ठीक है खैर इतना तो आप भरोसा करोगे ही चलो ये तो हुई प्लस टू की बात प्लस थ्री में देख लेते हैं ध्यान सुनो मेरी बात प्लस थ्री में देखो थ्री डी सीरीज ऐसे रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज फॉर थ्री डी सीरीज मेंबर्स In plus state. तो जिनके, जिनके लिए डेटा है, उनका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे देखो तो जो वाटर टाइटेनियम टाइटेनियम अच्छा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना पहले स्कैंडियम आता है स्केंडियम के राइट में क्या आता है ऐसे समझो भूल जाओ इसको ये बताओ कि स्कैंडियम स्कैंडियम के बाद क्या आता है वेनेडियम सॉरी टाइटेनियम टाइटेनियम के बाद क्या आता है वेनेडियम तो वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट किसमें स्कैंडियम में उसके बाद किसमें टाइटेनियम में सॉरी उसके बाद किसमें वेनेडियम में उसके बाद किसमें आयरन में अब हमारे पास मेनली दो लोग बचते हैं क्रोमियम और कोबाल्ट तो देखो ध्यान सुनो लिखो मत समझो पहले यहां पे प्लीज लिखना मत ठीक है नेट मेरा क्या बेटा आप लोग क्या होगा मे बी मेरे यहां तो ठीक चल रहा है स्पीड चेक करूँ मैं वो फुल यहां सही चल रहा होगा ना यहां तो सही है रुको मैं देख लेता हूं ठीक है अच्छा हमारा ठीक है ठीक है फिर फिर चेक करने की जरूरत नहीं है ठीक है हाँ मेरे में तो अच्छी स्पीड है यार लगभग सौ एमबीपीएस की आ रही है ठीक है देखो अब समझो यहां पे अब दो लोग हमारे पास मेनली बचते हैं क्रोमियम और कोबोल्ट समझने की कोशिश करना क्रोमियम थ्री कोबॉल्ट थ्री सी एफ एस सी अगर निकाले ध्यान से देखो इधर समझने की कोशिश करो सी एफ एस सी निकालो कितना आता है यहाँ पे माइनस वन पॉइंट टू और यहाँ आएगा क्योंकि मेनली वाटर के साथ क्या बनाता है लो स्पिन तो माइनस टू पॉइंट फोर डेल्टा हो सी एफ ए अगर निकालो तो सी एफ ए में हमने देखा था कि डी थ्री में कितना था माइनस टू पॉइंट जीरो और यहाँ कोबोल्ट में कितना था माइनस फोर पॉइंट जीरो तो यहां से आपको क्या देख के लगता है कि कौन या किसमें जो है वाटर एक्सचेंज स्लो होगा सीफाई वैल्यू देखो जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू मोर वैल्यू ये देखते ना मोर देन नेगेटिव वैल्यू स्लोअर द लिबिलिटी या स्लोवर द एक्सचेंज बोल सकते हो यहां पे तो चाहे सीफे से देख लो आप चाहे सीफाई से दोनों केस में कोबॉल थ्री प्लस में जो वाटर एक्सचेंज का रेट होना चाहिए क्या होना चाहिए स्लो यस या नो गुड इवनिंग बेटा पहले यहां से समझो अगर आप क्रोमियम कोबर्ड का कंपेयर करो इनमें ऑर्डर नॉर्मली मैंने लिख दिया इसमें सीएफएससी इतनी ज्यादा नहीं है सी फीस में ज्यादा नहीं इसलिए यहां पर नॉर्मल साइज फैक्टर लिख सकते हो आप क्या लिख सकते हो यहां पर साइज फैक्टर न चार्ज डेंसिटी फैक्टर भी तो होता है चार्ज डेंसिटी फैक्टर लिख देना लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है डिक्रीज करता है चलो मैं पहले इधर इधर ही समझा देता हूं इसको दो तरीके मैं आपको दोनों तरीके समझा दूंगा दोनों तरीका समझ लेना देखो आपको स्कैंडियम लिखना मत बस समझो मैं मुझे टाइटेनियम मिलेगा उससे राइट में जाओगे, तो जाओगे, जाओगे क्रोमियम आपको मिला आयरन अभी क्रोमियम को छोड़ दो किनारे कर दो आयरन मिला अब स्कैंडियम का साइज बड़ा है जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज क्या होता जाएगा छोटा अगर छोटा होता जाएगा तो चार्ज देखो चार्ज सेम है साइज डिक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो मैं लिख सकता हूं ना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो रेट क्या हो जाएगा स्लो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज क्या हो जाएगा स्लो सीएफएससी एफ एस सी और सी में क्यों नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत माइनर होता है उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं इसमें ठीक है उतनी ज्यादा वैल्यूज नहीं है वैसे भी निकालोगे सब होते हैं ये इनमें देखते हैं इसलिए ये क्या हो गया सबसे स्लो रेट ये क्या हो गया सबसे फास्ट रेट इसको मैं भी दूसरे तरीके से भी भी आपको 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 समझा समझा दूंगा दूंगा दूसरा तरीका उससे ठीक है लेकिन ये बहुत आसान तो इससे समझ ज्यादा याद रहेगा अच्छे से याद रहेगा इन दोनों में देखो इन दोनों में सीएफएस कंपेयर करोगे तो इसकी ज्यादा है सीएफ कंपेयर करोगे इसकी ज्यादा है इसका मतलब इसे क्या होना चाहिए इसमें जो वाटर एक्सचेंज का रेट होना चाहिए क्या होना चाहिए कम और इसमें जो वाटर एक्सचेंज का रेट होना चाहिए क्या होना चाहिए ज्यादा ये होना चाहिए लेकिन आपको पता है वाटर एक्सचेंज का रेट क्या आता है ये देखो ध्यान से कोबोल्ट थ्री प्लस में रेट ज्यादा आता है क्रोमियम में रेट क्या आता है कम ये है रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज अगर आप वैल्यूज देखो यहां से तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो है कोबोल्ट में वाटर एक्सचेंज कम आना चाहिए मतलब रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज कम होना चाहिए कंपेरिजन टू क्रोमियम चाहे सी से कंपेयर करो चाहे सी सी से आप देख लो दोनों केस में या इसी से देख लो आप लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसमें ये होता है कि प्लस में जो वाटर एक्सचेंज का रेट है मैं लेबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं वाटर एक्सचेंज बोल रहा हूँ राइट प्लस में जो वाटर एक्सचेंज का रेट है वो क्रोमियम थ्री प्लस से क्या आता है ज्यादा तो ये ऑर्डर आता है तो आपको समझना ये है कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है जबकि जो पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए ऐसा समझ रहे हो बाकी सब में साइज फैक्टर लगा दो यहां मैं आपको समझाता हूं यहां ऐसा क्यों हो रहा है

तो यहां साइज के बेसिस पे कर देना साइज फैक्टर और यहां ये यह जो हम फैक्टर बता रहे हैं इससे देख लेना ठीक तो अब देखो ये जो हमारी थियरीज है उसके अगेंस्ट कैसे जा रहा है राइट ये कैसे हो जा रहा है कि कोबाल्ट थ्री प्लस जिसको स्लो रेट करना चाहिए क्रोमियम थ्री प्लस जिसको फास्ट रेस करना चाहिए कोबॉल का रेट स्लो फास्ट हो गया क्रोमियम का रेट स्लो हो गया ठीक उससे पहले एक चीज मैं आपसे पूछता हूं आप मुझे बताना ये बताओ लेबिलिटी और वाटर एक्सचेंज का रेट वाटर एक्सचेंज रेट इन दोनों में क्या फर्क है कोई फर्क है या सेम है दोनों लेबिलिटी और वाटर एक्सचेंज या रेट ऑफ वाटर ये दोनों सेम बातें हैं अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सिस्टम ज्यादा लेबाइल है तो मैं बोल दूं इस सिस्टम में रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज ज्यादा होगा या मैं ये बोल दूं कि एक सिस्टम इनेट है इसमें रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज कम होगा ये सेम है क्या सेम नहीं है ये। वाटर एक्सचेंज में सिर्फ वाटर की बात करोगे आप सिर्फ वाटर लिबिलिटी में कोई भी लिगेंड चलेगा एनी लिगेंड फर्क क्या है यहां कोई भी लिगेंड चलेगा यहां किसकी बात करोगे सिर्फ वाटर समझ रहे हो एग्जैक्टली exactly सेम नहीं है ये वाटर एक्सचेंज देखो नो no डाउट जितना ज्यादा वाटर एक्सचेंज होगा इसका मतलब लेबिलिटी ज्यादा है राइट right? ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एग्जैक्टली exactly सेम है रेट की बात यहां भी करते हैं रेट की बात हम यहां भी करते हैं लेकिन वाटर एक्सचेंज में सिर्फ वाटर की बात करोगे आप लेबिलिटी में कोई भी लिगेंड सी ले सकते हो आप फ्लोराइड ले सकते हो आप क्लोराइड ले सकते हो आप मोनिया कुछ भी ले सकते हो लेकिन यहाँ सिर्फ वाटर की बात करोगे तो समझ में आया इसका मतलब ठीक है क्लियर हुआ चलो तो अब समझाता मैं आपको कैसा है क्यों यहां तो देखो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं पहले देखो कोबॉल लिखो मत बस समझने की कोशिश करो तो अभी आपको समझ में आएगा ये और ये बहुत इजी है ठीक है ये हम यहां पे कर रहे हैं कोबॉल थ्री प्लस अब आप एक चीज ध्यान सुनो कोबॉल थ्री प्लस जो है ना एक्व मीडियम में कोबॉल थ्री प्लस एक्व मीडियम में करता 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 है क्या करता है? क्यों करता है? है क्या क्यों अरे क्योंकि में आता है ये जो राइट वाले मेंबर हैं उनमें ज़्यादा ज़्यादा तो तो एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है तो जिसके पास न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो सिस्टम क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो कैसा शो करेगा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर तो जब आप सीओ थ्री प्लस को एक्वस मीडियम में लेते हो ना तो सीओ थ्री प्लस ऑक्सीडाइज होने का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का मतलब ये रिड्यूस हो जाता है सीओ टू प्लस में और वाटर को कन्वर्ट कर देगा किसमें में डाई ऑक्सीजन में पूरा नहीं थोड़ा अमाउंट इसका मतलब आप कोबॉल थ्री प्लस का जब एक्वस मीडियम में लेते हो तो कोबॉल थ्री प्लस के पास मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है बहुत स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग नहीं है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग है इतना है कि कोबॉल थ्री प्लस का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है कोबॉल टू प्लस में चला जाता है राइट right? इसका मतलब आप ना, CO 3 Equus, या को हम बोले सीओ एच टू सिक्स थ्री प्लस इसके साथ आपको थोड़ा सा अमाउंट ये जरूर मिलेगा ये वाला भी ये स्मॉल अमाउंट आपको हमेशा मिलेगा समझ में आ रहा है मतलब जब आप कोबॉल्ट थ्रीप्लस में बोल रहे हो कि यहाँ वाटर एक्सचेंज कराना है तो ये समझो कि सिर्फ यही अकेला नहीं है इसके साथ ये जरूर होगा यहां से इतनी बात समझ में आई क्रोमियम में नहीं ऐसा क्योंकि क्रोमियम आता है लेफ्ट में अब आप लेफ्ट वाले साइज में अगर लेफ्ट की बात करोगे लेफ्ट का मतलब जैसे आप इधर से स्कैंडियम से शुरू करते हो स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम राइट उसके बाद क्रोमियम तो क्रोमियम में ऐसा पावर नहीं है जितना कोबोल्ट में है क्योंकि कोबॉल्ट आता है राइट साइड में क्रोमियम आता है लेफ्ट साइड में राइट वाले ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होते हैं

और यहां हमने बना दिया सी ओ एच टू ओ सिक्स एटीन थ्री प्लस प्लस एच टू ओ अब इसके साथ कोबाल्ट टू प्लस भी है लिखो मत प्लीज लिखना मत कुछ भी ध्यान से सुनो बस सी ओ एच टू ओ सिक्स टू प्लस भी है थोड़ा तो ये भी कन्वर्ट होगा सबको एक्सचेंज करा देते ठीक है कोई बात नहीं यहां पर कर देते हम लोग एटीन सीओ या ऐसे कर दें चलो ठीक है कोई बात नहीं करा दो ठीक है या सिंपल ऐसे कर देते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा और क्योंकि छह छे, -छे लिखने की जरूरत है सिंपल यहां में लिख देता हूं एच टू ओ एटीन यहां में कर देता हूं स्टार पूरा लिखो ठीक है लिखो पूरा ठीक और यहां मैं करा देता हूं ये हो गया सीओ एच टू एन सिक्स टू प्लस थ्री प्लस यहां छह वाटर यहां वाटर ये यह है मतलब यहां भी वाटर को दूसरे वाटर आइसोटोपिकली आइसोटोपिकलीवल ने रिप्लेस कर दिया दोनों में रिप्लेस कर दिया ठीक है ठीक है देखो बेटा अब समझो यहां पे ये आपका बना ये वाला सिक्स ओहो ये मिट जा रहा सीओ एच टू सिक्स एटीन टू प्लस अब देखो ये जो हमारा सिस्टम है देखो ये तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है लेकिन ये पूरा तो कन्वर्ट होगा नहीं कुछ ना कुछ अमाउंट बचा होगा इसका ये जो हमारा कन्वर्ट हो ध्यान सुनो ये जो हमारा कन्वर्ट हुआ है ये इससे रिएक्शन कर लेता है देखो कैसे इधर सुनो सीओ एच टू ओ सिक्स थ्री प्लस प्लस सीओ एच टू ओ सिक्स एटीन टू प्लस इन दोनों में हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसके पास प्लस टू स्टेट, इसके पास प्लस स्टेट, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर होगा तो जो ध्यान सुनो जो हमारा प्लस थ्री में था वो किसमें चला गया प्लस टू में और जो हमारा प्लस टू में था किसमें चला गया वो प्लस थ्री में तो देखो हुआ क्या है ध्यान सुनो अब समझो इसकी वजह से क्या हुआ है हमारा ये जनरेट हो रहा है ये क्या करेगा ये सिस्टम इसके साथ रिएक्शन करके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर

आपका वो प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें आपका एच टू ओ एटीन वाला है इसका मतलब क्या हुआ जल्दी जल्दी से आपकी रेट हो रही है ठीक है राइट फिर से सुनो ध्यान दे से देखो ये दोनों थे ये हमारा बन गया प्रोडक्ट ये सिस्टम हमारा अभी पूरा तो कन्वर्ट होगा नहीं क्योंकि यहां पे रेट स्लो होती है इसका जो भी अमाउंट बचा हुआ है पर्टिकुलर सिस्टम इससे रिएक्शन कर लिया इससे रिएक्शन करने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया प्लस टू में प्लस टू में होने के बाद ये हो तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा फास्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि यह डी हाई स्पिन हो गया है, है? लेबाइल तो रेट क्या हो जाएगा फास्ट तो जो हमें लग रहा है ना कि कोबॉल 3 प्लस जो है वो लो स्पिन में है, हाई एक्चुअली वो कोबॉल 3 में बचा ही नहीं वो किस में होता जा रहा है प्लस टू में और प्लस टू वाला सिस्टम जो है वो फास्ट वाटर एक्सचेंज करता है इसीलिए जो कोबॉल 3 है उसमें रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज जो है है क्रोमियम क्रोमियम से क्या होती ज्यादा में कोई प्लस टू नहीं होता अगर क्रोमियम में भी आप प्लस टू अलग से डाल दोगे ना तो वहां भी रेट फास्ट हो जाएगी लेकिन क्रोमियम खुद से प्लस टू जनरेट नहीं करता क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नहीं है ये काम सब कौन जनरेट करता है ये करता है कोबॉल थ्री प्लस तो जो कोबॉल थ्री प्लस ये जनरेट करता है ना ये जनरेट करेगा प्लस टू ये प्लस टू इसको कन्वर्ट कर देता है प्लस टू में तो बार बार आपका प्लस थ्री प्लस टू में जा रहा है जितने भी प्लस टू आपके बनेंगे सारे सारे लेवाइल होते हैं तो जल्दी जल्दी सिलेक्शन होगा करता जाएगा वो तो जो हमें लग रहा है कि कोबाल्ट प्लस थ्री में ना वो चला गया प्लस टू में इसलिए रेट क्या हो गया फास्ट हो गया समझ में आया ठीक है

सम्गया? तो क्यों प्लस में वाटर सिर्फ वाटर की बात करना क्योंकि के केस में, में मत कर देना ऐसा या फिर ऐसा बाकी लिगेंड में मत कर देना क्योंकि सबको सब थोड़ी ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर को करता है इसलिए वाटर में आपको देखने को मिला ये उल्टा ऑर्डर बाकी में नहीं होता इस तरह से ठीक है आप बताओ ये बात समझ में आई तो होपफुली आपको ये ट्रेंड समझ में आया होगा जो मैंने इधर पीछे लिखा था ये प्लस थ्री वाले के लिए ठीक है इसमें साइज फैक्टर देख लेना जिसका साइज छोटा उसका बाउंड बीक जिसका साइज सॉरी जिसका साइज छोटा उसका बाउंड स्ट्रांग जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड बी बाकी यहां मैंने आपको समझा ही दिया है ठीक है क्लियर है सब लोग को समझ में आया कैसे हुआ ये तो अगर आप इतना कर लोगे ना तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन वाटर एक्सचेंज से सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे ठीक है चलो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग एग्जाम के राइट जैसे आपको देखो आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं बस एक चीज ध्यान रखना कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए जो आपने पहले मैंने आपको जो पढ़ाया है ठीक है चलो ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं गेट 2006 गेट 2006 इसमें है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करेक्ट कॉपी देख लो पीछे अभी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज the correct order of rate of water exchange of water molecule of water molecule between coordination sphere between coordination sphere and bulk ज ठीक है तो आपको बताना है कि मेटल कटायन है वाटर एक्सचेंज का रेट का करेक्ट ऑर्डर क्या है वन टू थ्री फोर सी आर सी आर थ्री प्लस ए एल थ्री प्लस क्रोमियम टू प्लस निकेल टू प्लस एक ये हो गया एक है सीआर थ्री प्लस एनआई टू प्लस सी आर टू प्लस ए एल थ्री प्लस सी आर थ्री प्लस ए एल थ्री प्लस एन आई टू प्लस सी आर टू प्लस सी आर थ्री सी आर टू ए एल थ्री एन आई टू प्लस सॉल्व करो जरा बताओ आंसर क्या आएगा इसका गड़बड़ मत करना ठीक है कहा जाता रेट ऑफ एक्सचेंज क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री इसमें कौन है जो क्लास वन में आता है जो क्लास वन में आएगा उसकी रेट सबसे फास्ट होती है क्रोमियम तो जो ऑर्डर लिखा उसमें क्रोमियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए कितना आसान सा क्वेश्चन था यही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम इसी का है क्रोमियम ही तो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि क्रोमियम में क्या होता है जेटीडी तो जहां भी क्रोमियम कॉपर दिखे ना वही ऑप्शन में हो जाता है राइट right? देखो उसके बाद अगर आप ये तो पता ना क्रोमियम थ्री प्लस अभी देखा था हमने कम होता है एलमुनियम और निकल में कंपेयर करोगे तो अल्मोनियम में स्लो रेट होता है और निकिल में होता है फास्ट रेट ठीक है क्रोमियम टू प्लस जो है उसमें स्ट्रोंग जानटेलर डिस्टोशन होता है स्ट्रॉ जेटीडी होगा उसका रेट तो फास्ट ही होगा तो एक ही तो ऑप्शन उसमें क्रोमियम टू प्लस का इसमें क्रोमियम टू प्लस बीच में आया इसमें बीच में है इसमें बीच में इसी में, में, इस में है सबसे ज्यादा ये आंसर हो जाएगा है ना चलो और देखते हैं एक दो यहां देखो ये यह है क्वेश्चन नेट 2012, नेट 2012. ये था द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कोडिनेशन स्फेयर प्रेजेंट इन कोआर्डिनेशन स्फेयर by 18 OH2 ऑफ फर्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है सी यू एच टू ओ सिक्स टू प्लस सेकेंड हमारा कॉम्प्लेक्स है मतलब इन कॉम्प्लेक्सेस में रिप्लेस होता है एम एन एच टू ओ सिक्स टू प्लस थर्ड हमारा जो है वो हमारा एफ ई एच टू ओ सिक्स टू प्लस और फोर्थ हमारा है एन आई एच टू ओ सिक्स टू प्लस तो आपको बताना एक्सचेंज का ऑर्डर क्या होगा फॉलोज एन ऑर्डर मतलब देखो एक कॉपर टू प्लस है एक आयरन है एक मैग्नीज़, है एक निखिल है इनमें से इनमें वाटर एक्सचेंज हो रहा है किस एटीन एच टू ओ से इससे इस तो आपको बताना सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ ऑर्डर एक्सचेंज है ज्यादा कहां होगा कम कहां होगा मतलब आपसे वही तो पूछ रहा है जो हमने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले तो चलो ऑप्शन देखो क्या क्या इसमें ऑप्शन है पहला वन या ऑप्शन है ऑप्शन है वन फोर थ्री टू सी ऑप्शन है सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट और डी ऑप्शन है थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड कितना आसान आसानदार क्वेश्चन है ये करो जल्दी से गलत मत करना सारे थ्री डी सीरीज के प्लस टू है क्या ऑर्डर लिखा था थ्री डी सीज प्लस टू में बेनेडियम टू प्लस से ज्यादा वाटर एक्सचेंज निकील टू प्लस में इससे ज्यादा वाटर एक्सचेंज किस में था कोबाल्ट में इससे ज्यादा किसमें था आयरन में इससे ज्यादा किसमें था मैग्नीज में इससे ज्यादा किसमें था जिंक में इससे ज्यादा किसमें था क्रोमियम और सबसे ज्यादा किसमें था कॉपर में बस ये अगर तुम्हें पता है तो आंसर हो जाएगा देखो यही तो सीरीज पढ़ी थी अपने थोड़ी देर पहले ठीक है तो क्या ऑर्डर आएगा बताओ

ठीक है तो इसका मतलब आप आराम से कर सकते हो ना क्वेश्चन है ना आगे चलें चलो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं वो गलत मत करना ठीक है चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चलो ये है क्वेश्चन गेट में आया है ईयर पता नहीं कौन सा है ठीक है मतलब कट गया है ऐसा नहीं ईयर पता नहीं इसमें देख ले क्वेश्चन और देख ले फिर हम एसिड हाइडोलिसिस पे मूव करेंगे ठीक है ये गेट में आया ठीक है तो पूछा इसमें द वाटर एक्सचेंज रेट फॉर द वाटर एक्सचेंज रेट फॉर द वाटर एक्सचेंज रेट फॉर कॉम्प्लेक्स आयन फॉलो द ऑर्डर फॉलो द ऑर्डर क्वेश्चन को थोड़ा मैं शॉर्ट कर देता हूं देखो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वी एच टू ओ सिक्स टू प्लस इसको ऑप्शन वन ले लेते हैं दूसरा हमारे पास है सी ओ एच टू ओ सिक्स टू प्लस राइट और एक हमारे पास है क्रोमियम एच टू ओ सिक्स थ्री प्लस सबसे आपको बताना है वाटर एक्सचेंज का रेट कहां ज्यादा होगा ऑप्शन मैं लिखता हूं उधर एबीसीडी आपको बताना वन टू थ्री थ्री टू वन वन थ्री टू टू थ्री वन थैंक यू जी थैंक यू ठीक है चलो देखो बताओ क्या होगा इसका ऑप्शन पढ़े दो तो अभी ऑर्डर फिर से वही देखो ये प्लस थ्री है ना प्लस थ्री वाला तो ज्यादा यूनिट होता है ना, प्लस टू है ना से ठीक याद रखो ये फोर्थ में आता है ना ये ये क्लास क्लास में में आता है ज्यादा यूनिट यही हो जाएगा इन दोनों में देखो अभी हमने पढ़ा वेनेडियम जैसे मैं लिख रहा हूं ना दो तीन बार ऐसे आप लिखोगे तो आपको भी देखो वैसे कॉन्सेप्ट भी आपको याद होना चाहिए ऑप्शन क्या कर रहे हो थर्ड अच्छा देखो मतलब कहां चल रहा है थर्ड ऑप्शन है कोई बात नहीं देखते हैं अभी कोबाल्ट ठीक है मुझे लग रहा है इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है आप फिर भी लगा रहे हो मैगनीज जेडन क्रोमियम और उसके बाद क्या होगा देखो तो थर्ड का सबसे कम होना चाहिए थर्ड का सबसे कम पहले में है बाकी नहीं है इसका मतलब इनमें से ऑप्शन मुझे बदलना पड़ेगा देखो मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे ठीक है अगर आपको ये देखो ये पता नहीं है तो आप ऑप्शन भी गलत इसमें देखो चलो एक स्टेटमेंट सेकेंड वन थर्ड ये आंसर होगा ना देखो इधर ये लीस्ट हो गया ना कोबोल्ट और वेनेडियम में देखो इधर वेनेडियम में रेट स्लो है कोबॉल्ट में रेट ज़्यादा है तो कोवॉल्ट आएगा पहले बेनेडियम आएगा बाद में तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका बी राइट जो हमने पहले लिखा था उनमें से कोई सही नहीं था ठीक है चलो तो ये वाटर एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ एक दो चीजें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं बस वो आप लिख लो जल्दी से ठीक है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हालांकि पहले भी सब कुछ देखो कुछ मैं इधर लिख देता हूं रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज ठीक है एक बार फिर से कंसाइज कर देता हूं रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज ठीक मैं सब कुछ आपको बढ़ा चुका हूं देखो अगर एल्कली मेटल में करोगे तो लिथियम से जाओगे सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम में बढ़ेगा इन मेटल में करोगे तो बेरिलियम से जाओगे मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम। ग्रुप टेन में अगर जाओगे तो जेडेन टू प्लस कैडमियम टू प्लस मर्करी राइट थ्री डी सीरीज में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जाओगे तो बेनेडियम, निकेल, राइट उसके बाद यहां पे क्या आता है कोबोल्ट आयरन मैंगनीज जिंक क्रोमियम कॉपर ये रेट आएगा ये सब कुछ पढ़ चुके हो आप मैं बस कंसाइज कर रहा हूं ठीक है अरे बेटा ये सब कंसाइज कर रहा हूं मैं ये कल पढ़ाया तो था अच्छे बताओ एल्ली मेटल में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है कि नहीं यस मुझे रटा थोड़ी है ये ध्यान सुनो एल्ली मेटल में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक होगा बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा जल्दी टूटेगा तो रेट फास्ट होगा वही तो लिखा है इधर देखो रेट बढ़ रहा है इधर मेटल में भी तो सेम यही होता है जिंक से आप मरकरी में जाओगे तब भी तो साइज बढ़ेगा तब भी तो यही ऑर्डर मिलेगा प्लस टू का वही ऑर्डर दो जो मैंने पहले लिखा है प्लस थ्री में देखो प्लस थ्री में एक ऑर्डर था अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था क्रोमियम कोबोल्ट आयरन उसके बाद क्या था इससे इससे बड़ा साइज किसका होता है इसके बाद इसके बाद टाइटेनियम स्कैंडियम अगर मैं बोरॉन फैमिली में लेता हूं तो लॉजिकली सब समझा बिल्कुल सब कुछ सब कुछ समझाया हूं पहले ये तो मैं आपको कंसाइज कर रहा हूं बस अब देखो अगर मान लो मैं बोलूं कि एल्युमिनियम गैलियम इंडियम में अरे बेटा क्रोमियम कॉपर में जेटीडी होता है जिंक में थोड़ी जेटीडी है क्रोमियम कॉपर में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है कल पढ़ाया तो था क्लास में इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसलिए ज्यादा है इनका फिर यह भी बताया था कि क्रोमियम कॉपर में से क्रोमियम में ईजी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसलिए वहां और ज्यादा डिस्टॉर्शन है इसलिए वहां और ज्यादा फास्ट रेट होती है ये जितनी बातें मैं लिखा हूं सब आपको कॉन्सेप्चुअली समझा चुका हूं सब कुछ अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास है 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 गैलियम है, इंडियम है, राइट? है, गैलियम है, इंडियम इंडियम है, राइट राइट तो आपको पता है साइज टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है ना तो एलमोनियम गैलियम इंडियम में कंपेयर करोगे तो एल्मोनियम में बॉन्ड स्ट्रॉगर इंडियम में बॉन्ड इंडियम में क्या होगा बॉन्ड बीकर तो रेट क्या हो जाएगा एलमुनियम से ज्यादा रेट होगा गैलियम में गैलियम से ज्यादा रेट होगा इंडियम में ये याद थोड़ी करना है अगर थ्री डी फोर डी फाइव डी लेता हूं तो थ्री डी से फोर डी जाने पर रेट क्या होता है घटता है एन आई टू प्लस निकिल पैलेडियम प्लेटिनम अगर यही मैं उसके लिए लिखूं कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट रोडियम इरिडियम ये सब बताया तो था इसमें क्या हो रहा है थ्री डी से फोर डी जा रहे हो फोर डी से फाइव डी जा रहे हो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है रेट स्लो हो रही है सब कुछ समझाया था इसमें रटना कुछ नहीं इसमें ये मैंने पहले आपको समझा दिया उसके बाद में लिख रहा हूं मैं पहले लिखता तो शायद आपको लगता कि क्या चल रहा है अब भी किसी ले किसी भी किसी भी आपको उसमें डाउट कंपेयर करो मान लो लेंथनाइट आ जाए तो लेंथनाइट्स में देखो देखो इधर लेंथनाइट में शुरू करना कहां से सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक यहां से यहां जाने पर साइज डिक्रीज करता है साइज डिक्रीज करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा राइट right? तो रेट ऑफ वॉट एक्सचेंज स्लो होगा ठीक है अगर आप स्कैंडियम लेते हो इट्रियम लेते हो लेंथनम लेते हो तो देखो यहां पर इनमें सीएफएससी जीरो है स्कैंडियम में भी जीरो है इट्रियम में भी जीरो इसमें भी जीरो अरे सबकी सीफेसी जीरो है ठीक है राइट डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी में तो साइज फैक्टर देखो यहां पे ठीक है थ्री डी फोर डी फाइव डी सी एफ एस सी ध्यान सुनो जब सी एफ एस सी जीरो हो जाए ना तो क्या देखा करो साइज फैक्टर जब सी एफ एस सी रहे तब थ्री डी फोर डी फाइव डी अप्लाई किया करो ध्यान सुनो मेरी बात जब सी एफ एस सी जीरो हो जाए तो क्या देखना है आपको फिर वो मेन ग्रुप की तरह काम करने लगता है फिर से सुनो मेरी बात जब CFSC जीरो हो जाएगा किस कि तरह काम करेगा मेन ग्रुप मेटल की तरह मेन ग्रुप में क्या होता है जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड वीक होगा जल्दी से हट जाएगा इन तीनों की 3D का है, 4D का है, का मेंबर 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 है 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 इन तीनों की जीरो है. ये की ये मेन ग्रुप तरह देखो इसका साइज लार्जर इसका साइज स्मॉलर तो जिसका साइज स्मॉल उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग जिसका साइज बड़ा उसका बॉन्ड वीक तो यहां रेट फास्ट होगा यहां रेट स्लो होगा तो ऑर्डर ये हो जाएगा ठीक है यहां पे क्यों किया मैंने क्योंकि सी एफ एस सी जीरो है तो मेन ग्रुप की तरह काम करेगा ये मेन ग्रुप की तरह ले लो मेन ग्रुप में साइज फैक्टर देखते हो ना बस जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिसका छोटा साइज उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर उसमें रेट स्लो ये हो गया स्कैंडियम जिसका बड़ा साइज उसका बॉन्ड वीकर वो क्या हो जाएगा फास्ट ठीक समझ गए और देखो ये सब कॉन्सेप्चुअल है इसमें कुछ भी आपको एक्सेप्शन नहीं है ठीक है यहां पर एक जगह आपको था वो मैंने आपको अभी समझा दिया था थोड़ी देर पहले ये ये वाला रटना नहीं है इसे ठीक है मैंने पहले पढ़ाया है वही सब वही में लिख रहा हूं उधर और देखो एक चीज ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो समझने की कोशिश करना लिखना मत पहले देखो इधर अगर मैं बी टू प्लस लिखू और बी थ्री प्लस लिखू ठीक है मतलब b2 टू प्लस एक्वस है b3 थ्री प्लस एक्वस है ये ध्यान रखना थोड़ा ठीक है इन दोनों में देखो आपको पता है ये D ब्लॉक मेटल है सी एफ देखोगे आप यहाँ पर है ना सी एफ ही देखोगे आप यहाँ पर सी एफ एस सी माइनस वन पॉइंट और यहाँ करोगे तो माइनस जीरो पॉइंट एट मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको सी एफ एस सी कैलकुलेट करना आती है ठीक है आती है ना नहीं सोचो पता नहीं कहां से लिखे जा रहे हो आप माइनस टू माइनस जीरो मतलब वो जो सबसे है इसका। तो, बेसिक्स तो आपको मतलब सी निकालना तो आता होगा उसके बाद इसमें देखो सी वैल्यू अगर देखोगे तो यहां पर कितनी आती है माइनस टू पॉइंट जीरो क्योंकि और यह है डी टू यहाँ कितनी आती है प्लस जीरो पॉइंट यहां पे आता है प्लस वन पॉइंट वन फोर तो यहां से आपको क्या लग रहा है कि कौन आपका ज्यादा लेवाइल है देखो जरा ध्यान से इसको यहां से क्या लग रहा है आपको कहां पर वाटर एक्सचेंज फास्ट होगा सिंपल सी, सी भी कम है सी नेगेटिव निगेटिव है वाटर एक्सचेंज कहां फास्ट होगा इधर तो ऐसे ध्यान से सुन लो अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे ना बेनेडियम में ध्यान रखना ये ये होता है रेट ऑफ ऑर्ट एक्सचेंज ठीक है एक और ऑर्डर लिख दे रहा हूं मैं ये थोड़ा सा मिक्स ऑर्डर है हालांकि आपको पता है ये देखो, बेनेडियम टू प्लस एलुमिनियम थ्री प्लस ठीक है इन दोनों में अगर कंपेयर करो, पहले आप इसे लिख लो पहले आप इसे लिख लो यहां से मैंने डेटा दे दिया है आपको और ये कुछ भी नया नहीं है सब कुछ ये आप निकाल सकते हो खुद से ही मैंने आपको पढ़ा चुका हूं तो चाहे आप वहां से कर लो चाहे वहां से कर लो दोनों से कर सकते हो इतना हो जाए तो बताना फिर इस पे एक दो चीज मैं बोलता हूं फिर ठीक है देखो बताने को मैं बहुत बता सकता हूं बट समस्या पता क्या है क्या प्रॉब्लम यह है कि आप क्लास के बाद पढ़ते नहीं हो और बिना पढ़े अगर आप आओगे तो फिर आपको लगेगा अरे पता नहीं क्या सब नया चल रहा है और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपको पीछे का नहीं पता तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा और मैं फिर से कह रहा हूं जो लोग इसको सीरियसली पढ़ रहे हैं स्पेशली नेट गेट के लोग नेट गेट के बच्चे अगर वो पीछे का नहीं पढ़े तो आप आगे की क्लास मत करो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्लास में कितने लोग आते हो कितने नहीं आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा आप टाइम क्यों बर्बाद करोगे अभी जब आगे जाएंगे एसिड हाइड्रोसिस में वहां मैं स्टीरियो केमिस्ट्री बाकी जो बात करूंगा तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए जो मैंने पीछे पढ़ाया अगर आपको वही नहीं पता होगा इवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में अगर आपको ये नहीं पता होगा कि लेवाइल है तो ना तो आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना सकते हो ना तो आप रेट की बात कर सकते हो तो अगर आप पीछे का नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपसे फिर से कहूंगा आगे टाइम वेस्ट मत करो अपना मत लेना क्लास ठीक है उसमें भी टाइम वेस्ट जाएगा आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा फिर वो वो इससे ज्यादा थोड़ा टफ है वो थोड़ा और ज्यादा दिमाग लगा के समझने लायक है तो इसलिए मैं बार बार इस पर टाइम क्यों दे रहा हूं कि आप बेसिस तो आपका ठीक रहे सबके लिए बोला हूं भैया सबके लिए सब लोग पढ़कर आया करो ऐसे देखोगे ना तो आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है ये कठिन नहीं कुछ भी हार्ड नहीं इसमें सब आसान है ये बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले पढ़ के दवाओ इन दोनों में देखो इन दोनों में ये जो क्या होता है इसमें लेस रेट होता है वाटर एक्सचेंज का वाटर एक्सचेंज का इसमें क्या होता है फास्ट रेट होता है फास्ट रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज मुझे ध्यान है शायद मैंने कल उल्टा बोल दिया था ना ऐसा कुछ तो आप मैं उसको रेक्टिफाई करूं मैं ध्यान नहीं था एक्चुअली वो गैलियम से मैं, मेरे दिमाग में गैलियम चल रहा था एल्युमिनियम नहीं चल रहा था उसमें गैलियम की बात कर रहा था मैं मतलब मैं मतलब गैलियम माइंड चल रहा था मेरा तो एल्युमिनियम से जो है एल्युमिनियम इसमें कंपेयर करोगे तो इसकी रेट फास्ट होती है अगर गैलियम से कंपेयर करोगे तो गैलियम की फास्ट होती है ये ध्यान रखना ठीक है राइट कल मैं बेनेडियम टू प्लस एल्युमिनियम का एल्मेयर मुझे बाद में ध्यान आया एक्चुअली मेरे दिमाग में गैलियम चल रहा था गैलियम से इसकी फास्ट होती है एल्यूमिनियम से इसकी रेट जो है सॉरी गैलियम से इसकी रेट स्लो होती है एल्यूमिनियम से इसकी रेट क्या होती है फास्ट ये ध्यान रखना थोड़ा कि वेनेडियम टू प्लस ज्यादा एलेबाइल होता है एल्यूमिनियम से रेट ऑफ वाटर या लेबिलिटी भी बोल सकते हो आप ठीक है आपको जनरली ये देखने को मिलेगा ठीक समझ गए मतलब अगर मैं ऑर्डर लिखूं इधर कि हमारे पास ध्यान सुनो गैलियम और इंडियम है तो इनके बीच में आएगा यहां पर ऐसे ये ऑर्डर होगा ठीक है राइट और या फिर अगर मैं क्रोमियम लिखूं तो क्रोमियम किससे ज्यादा होगी तो क्रोमियम के केस में अगर लिखोगे तो क्रोमियम थ्री प्लस फिर एलमुनियम थ्री प्लस आएगा फिर बेनीडियम टू प्लस आएगा

और एक चीज ध्यान रखना जो एलमुनियम है ना एलमुनियम भी थ्री प्लस होता है लेंथनाइड भी थ्री प्लस होते हैं तो अगर आप रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज करोगे ना तो लेंथनाइड की रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज वाटरियम से क्या होती है ज्यादा होती है सिर्फ एल्मोनियम से नहीं इस फैमिली में जितने मेंबर हैं एलमुनियम गैलियम इंडियम इन सबसे ज्यादा रेट होती है किसकी लेंथनाइड की क्यों इनका साइज बड़ा होता है साइज इनका लार्ज होता है ठीक है इसलिए CFC तो है नहीं लेंथनाइट में क्योंकि ये काफी अंदर होती है तो सीफीएससी की बात तो करेंगे नहीं ना यहां, है। यहां क्या है जीरो क्योंकि पी ब्लॉक में जिसकी वजह से इंटरेक्शन होता है पुअर तो कोई सीफ का मतलब नहीं यहां पर साइज फैक्टर देखो लेंथोनाइट भी प्लस थ्री एल्मोनियम के गैलियम इंडियम ये प्लस थ्री। इनके में इनका साइज बड़ा होता है इसलिए यहाँ पर रेट फास्ट है यहाँ पर रेट स्लो है स्लो लेंथनाइट में क्या होगा फास्ट देखो बताने को तो मैं इसमें भी बहुत कुछ बता सकता हूं लेकिन जाने दो ठीक है इतना पढ़ोगे तो एग्जाम से क्वेश्चन मुझे मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसके बाहर आपसे कुछ पूछेगा नहीं वो वैसे भी जनरली आपको सिंपल ऑर्डर पूछता है किसी एक सीरीज का ले लेगा थ्री का ले लेगा या फोर का ले लेगा किसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ले लेगा अभी तक आपने जो, जो क्वेश्चन देखा वैसे ही आया हो आपको मिक्स नहीं करेगा ठीक चलो तो ये हो गया वाटर एक्सचेंज के बारे में ठीक है और वो ध्यान रखना क्रोमियम और कोबोल्ट वाला कि कोबोल्ट वाला जो है फास्ट करता है क्रोमियम से वाटर एक्सचेंज इनटनेस में थ्री प्लस इज मोर इनर्ट एज कंपेयर टू क्रोमियम थ्री प्लस लेकिन जब वाटर एक्सचेंज की बात करते हो तो क्रोमियम थ्री प्लस के कम्पेरिजन में कोबॉल थ्री प्लस में रेट ऑफ फास्ट होता है वो मैंने क्यों हुआ क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देता है तो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है इनर्ट को कन्वर्ट कर देता है लेवाइल में मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं अब दूसरा हमारा जो रिएक्शन है रेट ऑफ ऑट्रेक्शन दूसरी हमारी जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस तो थोड़ा हाइड्रोलिसिस के बारे में जानते हैं ठीक है ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोलिसिस आएगी एसडिक हाइडोलिस और बेसिक हाइडोलिस तो hydrolysis का मतलब या सिंपल बोल सकते हो इसको आप इक्वेशन रिएक्शन जहां पर वाटर right होता है हमने कल पढ़ा था ना कि डिसोसिएटिव पाथवे जो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं किसको फेवर करते हैं वो लोग डिसोसिएटिव पाथवे को अब डिसोसिएटिव पाथवे के एविडेंस भी है और उसके एग्जांपल भी है तो मैंने एक एक्साम्पल पढ़ लिया रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज

मतलब जिनके सिलेबस में, में उनके लिए तो ठीक है लेकिन जो जैम जो जैम के लिए तैयारी करते हैं वो, वो ठीक है वो सिर्फ ट्रांस पढ़ेंगे बस जो मैं तो. इसमें एक अपना राइट तो सिर्फ नेट गेट वाले बच्चे क्योंकि इसमें आने का कोई मतलब नहीं है ठीक है चलो अब हाइड्रोलिस का मतलब क्या मैं समझाता हूं देखो इधर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं मान लो हमारे पास एम एल फाइव एक्स है एन प्लस और यहां हमारे पास है वाटर तो होता क्या है इसमें हाइड्रोलिस में ये जो लिगेंड है ना एक ये वाटर से रिप्लेस हो जाता है तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा एक लीविंग ग्रुप वाटर से रिप्लेस हो जाए उसको क्या बोलते हैं एक्वेसन रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस बोलते थे यहां हो जाएगा एम एल फाइव एच टू एन प्लस वन एक्स माइनस क्यों एन प्लस वन किया क्योंकि मैंने इसको एन इसको मैंने एक्स माइनस लिया देखो चार्ज तो बैलेंस ही है ना माइनस कम करोगे तो क्या आ जाएगा वही हो जाएगा तो ये किसका एग्जाम्पल है इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन क्लियर इतनी बात मतलब सिंपल क्या है रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अलीगेंड वाया वाटर बस ध्यान रखना वाटर नहीं होना चाहिए ये। क्योंकि वाटर वाला पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कॉल्ड को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ठीक अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन रिएक्शन हो अब इसमें देखो डिपेंडिंग अपॉन मीडियम आप मीडियम को एसडीक रखते हो मीडियम को बेसिक रखते हो

क्योंकि मैं फार्मेसी तो पढ़ाता नहीं भैया तो उसमें सिलेबस आप देख लो अगर आपको लगता है उसमें है तो पढ़ लो आप ठीक है राइट right? अब देखो ध्यान सुनो अगर इस सिस्टम में जो आप इक्वेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो या रिएक्शन पढ़ रहे हो इसमें मीडियम आप क्या लेते हो ठीक है एसिडिक मीडियम लेते हो राइट बेसिक मीडियम लेते हो उसके बिहार जो रिएक्शन उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं एक एसिड हार्डोलिसिस और एक बेसिक हार्डोलिसिस तो यहां मैं लिख देता हूं सिंपल अब एक चीज देखो यहां से समझ लो जो हमारा प्रोडक्ट बना था इधर देखो यही मैं समझा देता हूं हमारा प्रोडक्ट बना था ये अभी यही बना था ना एम एल फाइव एच टू वो एन प्लस वन यही बना था ना अब अगर मैं मीडियम एस डी तो हमारे पास यही प्रोडक्ट मिलेगा हमको कौन सा वाला यही एम एल फाइव एच टू वो एन प्लस लेकिन अगर मैं मीडियम यहां पर बेसिक लेता हूं बेसिक मीडियम तेज पता है कि वाटर के पास एसडिक प्रोटोन है है ना वाटर के पास एसडिक प्रोटोन है कि नहीं यस yes? तो यहां से प्रोटोन निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एम एल फाइव ओ एच एन प्लस एक निगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना भाई यहां से एच प्लस जाएगा तो यहां माइनस आएगा अगर माइनस आएगा तो प्लस कम हो जाएगा वो हमने वो कर दिया है राइट right? मतलब यह है कि बेसिक मीडियम में आपको ध्यान सुनो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एच मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो वाटर जुड़ेगा मतलब एक्स को हटा के क्या आएगा वाटर जब बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओगे तो वहां पे क्या आएगा ओ OH. मतलब एक्स की जगह पे अगर वाटर आता है वो कौन से मीडियम में होगा एच मीडियम में और एक्स की जगह पे अगर ओ OH है या ओ OH कब आता है बेसिक मीडियम में और ये डिपेंड करेगा कि आपने पीएच कितना लिया हुआ है अगर आपने लिया हुआ है, तो आपको वाटर दिखाई देगा मतलब एक्स को कौन रिप्लेस करेगा वाटर अगर आपने बेसिक पीएच लिया हुआ है तो आपको क्या दिखाई देगा पे क्या तो यहां से मैंने आपको समझाया तो हाइड्रोलिसिस को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया यहां से देखो यहां हम लिखते हैं हाइड्रोलिसिस यहां एसिड और हाइड्रोलिसिस ठीक है पीएच देख लो एसिड हाइड्रोलिसिस में जनरली पीएच जो लेते हैं क्या होता है वो लेस देन थ्री और इसमें जो पीएच लेंगे वो सात से तो ज्यादा ही होगा लेस देन एट यहां बेसिक पीएच लिया है इतना तो पता है ना पीएच जब सेवन से कम होता है एसडिक मीडियम होता है पीएच जब सेवन से ज्यादा होता है तो बेसिक मीडियम होता है ये बेसिक मीडियम है ये बेसिक मीडियम है और ये एसिडिक मीडियम है तो यहां एसिड हाइड्रोलिसिस और एग्जाम्पल भी समझा देता हूं देखो मान लो हम एक लिगेंड लेते हैं सीओ सॉरी कॉम्प्लेक्स लेते हैं सीओ एन थ्री फाइव सी एल मीडियम है इसमें हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एच टू ओ जो है रिप्लेस करेगा यहां बनेगा सीओ एन एस क्या लगेगा एसडिक एसडिक में इसके जब क्या लगता है वाटर वाटर इधर थ्री प्लस सी एल माइनस बेसिक हाइडोलिसिस में सेम ही अगर लोगे तो क्या बनेगा सी ओ एन एच थ्री फाइव सी एल टू प्लस यहां ओ एच माइनस आप लोगे ठीक है यहां बनेगा सी ओ एन एस थ्री फाइव ओ एच टू प्लस प्लस सी एल माइनस तो ये बेसिक मीडियम में प्रोडक्ट दिखाई देगा आपको एस मीडियम में अब एक एक करके हमें पढ़ना है एस कोलक बेसिक कोलक और इसी में हम देखेंगे दोनों चीजें हमें साथ में पढ़नी है पहला देखो हम ये देखेंगे कि जो वो इसका मतलब सिंपल है वो फैक्टर है। दोनों का मतलब सेम ही है मतलब एसिड हाइड्रोलिस में हम पढ़ेंगे ना हमको यही तो हम यही तो पढ़ रहे हैं कि जो ऑक्टा में रिएक्शंस होती हैं किसको फॉलो करती हैं डिसोसिएटिव

एसिड हाइड्रोलिसिस में कौन कौन से फैक्टर इसको करते हैं और इसमें इसमें बहुत सारा वेरिएशन है इसमें टाइम लगेगा कम से कम तीन क्लास तो आप जल्दी बाज जल्दबाजी मत करना अगर आप वास्तव में नेट के लिए सीरियस हो ना नेट गेट के लिए तो जल्दबाजी मत करना ठीक है क्योंकि अगर मैं चीजें स्किप करता जाऊंगा या अगर आप सीरियस नहीं होगे मैं चीजें स्किप कर जाऊंगा इसका मतलब सिंपल आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है ना हो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि नहीं होगा क्योंकि सुपर पढ़ा दूंगा तो हो सकता है क्वेश्चन हो जाए लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपसे हो ही जाए तो आप जल्दबाजी मत करना ठीक है मैं आराम से पढ़ाऊंगा आप बस पढ़ते जाना जितने या, जितना क्वेश्चन एग्जाम में है सब वो तो हो ही जाएगा आने वाला जो भी लोग पढ़ रहे हो सारे लोग पेशेंस बना के रखो ये टॉपिक बड़ा है थोड़ा बड़ा तो ज्यादा नहीं है अगर मुझे अगर खुद को पढ़ना हो लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ाना इसलिए टॉपिक बड़ा है क्योंकि मैं दो तरीके से पढ़ा सकता हूँ एक स्लोली चलू मैं जिसमें आपको समझ में आया दूसरा मैं जल्दी भागू मैं जल्दी भागूंगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा इसमें फिर इसलिए मैं आराम आराम से चल रहा हूँ और साथ मुझे बारह लेक्चर हो गया अभी खत्म नहीं हुआ ये ठीक है और अभी तो हमें क्या पढ़ना है इसमें एसिड हाइड्रोलिसिस बेस हाइड्रोलिसिस स्टीरियो फिर इसमें पढ़नी है हमें ट्रांस क्या होता है फिर इनर स्पेयर क्या है आउटर स्पेयर क्या है फैक्टर्स कैसे और सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वहां में अगर थोड़ी भी जल्दबाजी करूंगा तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला फिर ठीक है इसलिए जब क्लास में मैं फिर से कर रहा हूं क्लास में जितने भी लोग सीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीरियस इस टॉपिक को पढ़ रहे हो प्लीज इससे पहले पढ़ के जरूर आओ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा आगे और अगर ऐसा है आपको लगता है तो आप प्लीज टाइम मत वेस्ट करना अपना ठीक है राइट right? कोई मतलब नहीं है कुछ और पढ़ लेना जाके कहीं और आपको कुछ को, कोई और टॉपिक पढ़ लेना अगर इसी इसलिए पढ़ना चाहते हो तो पहले का पढ़ के आना तब कुछ समझ में आएगा आपके तो मुझे भी अच्छा लगेगा मैं बोल रहा हूं आपको पल्ले तो पड़ रहा है आपको समझ में तो आ रहा है कुछ ठीक है चलो फिर कल हम लोग अब मॉर्निंग में मिलते हैं मॉर्निंग में हम लोग बाय ऑर्गेनिक पढ़ते हैं ठीक है जो प्लास्टोसाइन है उसमें आ, रेट तो हमने देख लिया रिडक्शन पोटेंशियल कैसे बदलता है वो देखेंगे और एजूरिन के बारे में और थोड़ा ये सारे स्पेक्ट्रम के बारे में तो कल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा फिर हम लोग पढ़ेंगे फोटोसेंथेसिस उसके बाद ठीक है कल मॉर्निंग में मिलते हैं आठ बजे शाम को फिर से मिलेंगे ठीक है ठीक है बेटा ठीक है ध्यान रखो अपना अच्छे से पढ़ो सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल अब इस टॉपिक में मैं फिर से कह रहा हूँ अगर आप आराम से पढ़ोगे ना तो इस टॉपिक से इस टॉपिक का अगर वैसे डर होगा नहीं क्योंकि इतना तो कठिन नहीं है लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी होगा ना तो वो डर पक्का निकल जाएगा ठीक मैं आपको सब कुछ कॉन्सेप्टी समझा दूंगा राइट इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं इससे सब कुछ आपको समझ में आएगा कि ये क्यों हो रहा है इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ कि आपको समझ में आए मुझे तो आता ही है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ठीक है चलो फिर ठीक है ठीक है टेक केयर मिलते हैं सुबह गुड नाइट